जब हम बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं कि दूसरों का मूल्यांकन कैसे करना है, अच्छा काम करने के क्या फ़ायदे होते हैं, निष्ठा और ईमानदारी किस तरीके से हमें लाभ पहुंचाती हैं, हमने किस तरीके से सामने वाले व्यक्ति के गुणों को या अवगुणों को अनदेखा करना है। तो अभी जब हम पृथ्वी पर हैं तो ये सब सुनने में बड़ा ही मतलब एक भाषण जैसा लगता है, किताबी बातों जैसा लगता है। और आज के वक्त में जो वर्तमान समाज का हाल है उसमें तो ये बातें बिल्कुल ही बेसिर पैर की मालूम पड़ती हैं। ये सब जो नैतिकता से जुड़ी हुई बातें हैं ना, जब ये की जाती हैं तो ये कोई मनोरंजन जैसा नहीं लगता। ये लगता है कि क्या कोई सामने वाला व्यक्ति भाषण दे रहा है, फजूल की बातें कर रहा है, ऐसे लगता है। लेकिन जितना ही ये धरती पर बेसिर पैर का लगता है उतना ही अर्थ ये सोल वर्ल्ड में रखता है, और सोल वर्ल्ड में ये बहुत मायने रखती हैं बातें सोल के लिए। उसके लिए इन बातों का ये उसके लिए मनोरंजन है, ज्ञान है, उसकी आत्मिक उन्नति का जरिया है, ये उसके लिए सब कुछ है। यही वजह है कि जो आत्मिक ग्रुप्स होते हैं उनमें भी जो सोल्स हैं जिनके आपस में कार्मिक अकाउंट है वो, और जो कभी अपने साथी ग्रुप की जो सोल्स हैं उनसे मिलते हैं तब वो, जो उनके मार्गदर्शक उनसे मिलते हैं या उनके शिक्षक उनके आत्मिक ग्रुप में आते हैं, उनकी कक्षाओं में आते हैं, तब इस तरह की बातों पर चर्चा होती है। और उससे भी बड़ी बात, जो जानकारी देने वाला व्यक्ति है, चाहे वो मार्गदर्शक हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो आपका आत्मिक ग्रुप का मेंबर हो, वो एक जीवन का किस्सा किसी और के जीवन की कहानी नहीं बता रहा, वो अपना जीवन जो जी के आया है उसका अनुभव शेयर कर रहा है आप लोगों के साथ, वो किस्सा सुना रहा है आपको। तो फिर जब एक व्यक्ति अपने ही जीवन का सच्चा किस्सा सोल वर्ल्ड में सुना रहा है अपने ही साथियों को और बता रहा है कि कहाँ उसने सही कर दिया और कहाँ उसने गलत कर दिया, नैतिक रूप से बता रहा है, तो ये मज़ेदार होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ वहाँ पे फिर आप कहानी नहीं सुन रहे, वहाँ पर आप कुछ ऐसा सुन रहे हैं जो सचमुच घटित हुआ है आपके ग्रुप के मेंबर के साथ। अब हम पिछली कड़ी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हम पिछली कड़ी में ऑरिक का जिक्र कर रहे थे, किस तरीके से ऑरिक अपने साथ वाले ग्रुप की आत्माओं से मिला, उसने देखा समझा कि किस तरीके से दो आत्माएं एक सोल वर्ल्ड में है, एक धरती पर है, एक दूसरे तक संदेश पहुंचा रही हैं, तो उनके बीच में फिर क्या बातचीत हुई। उनके बीच में ये बातचीत हुई कि सिर्फ एक बार संदेश नहीं पहुंचाना है, अगर रिसीव नहीं कर पा रही है आत्मा तो उसके पास बार बार संदेश पहुँचाना है, और सिर्फ एक जरिया स्वप्न का सहारा नहीं लेना है, और भी कई माध्यम है, उनका भी सहारा लेके अपना मैसेज कन्वे करना है सोल तक, जिसको संभालने की जिम्मेवारी तुमने ली है। इसमें दोनों का ही फायदा है, जो मैसेज रिसीव कर लेगा उसका भी फायदा है और जो मैसेज दे रहा है उसका भी फायदा है, क्योंकि वो भी ग्रो करता है, दोनों ही ग्रो करते हैं। अब माध्यम क्या कहता है, कहते हैं जब मैं अपने ग्रुप में वापस आया तो मैं एक नई चीज़ सीख कर आया हूँ कि किस तरीके से मुझे उनके एक्सपीरियंस से सीखने को मिला कि अब जब मुझे भी तो आगे मुझे भी तो मैं भी तो सोल वर्ल्ड में हूँ तो मुझे भी तो संदेश पहुँचाने हैं धरती के अपने ग्रुप के मेंबर्स के पास, तो मुझे किस तरीके से पहुँचाने हैं, ये चीज़ मुझे उनसे बात करके सीखने को मिली। ऐसे समझ लीजिए जैसे दो अलग अलग स्कूल्स के बच्चे मिलते हों, आपस में उनके ग्रुप डिस्कशंस होते हों, तो ये भी एक तरीका होता है ना बच्चों को सिखाने का, टीचर्स इस तरीके का भी इस्तेमाल करते हैं ना, बस इसी ऐसे ही तरीकों का इस्तेमाल सोल वर्ल्ड में भी हो रहा है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये जो सोल वर्ल्ड की कार्यप्रणाली है और धरती की कार्यप्रणाली है, ये बात मैंने पिछली कड़ी में भी कही थी कि काफ़ी कुछ सिमिलर है अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो। अब जैसे यही माध्यम जिसने ओरिक के विषय में बताया, इसी ने आगे कहा, क्योंकि ये शायद कुछ माध्यम इस तरह का है जो अपने आत्मिक ग्रुप की अन्य आत्माओं के विषय में बता पा रहा है। अब बहुत सारी सोच ऐसी होती है ना, वो अपने खुद ही नहीं पहुंच पाती है, अपने बारे में ही नहीं बता पाती है, तो वो क्या बताएंगी। तो कुछ होती हैं विशेष आत्माएं जो ज़्यादा डीपली बता पा रही हैं, तो ये माध्यम भी कुछ इसी तरह का है। उसने शैलकन नाम की एक आत्मा के विषय में बताया जिसने महिला का रोल प्ले कराया धरती पर। तो वो बताता है कि वो अक्सर हमारे ग्रुप में समय समय पर आती रहती है और मैं उससे मिलना कभी नहीं भूलता हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें एक खास बात है, उसकी खास बात यह है कि वो एक जैसे हर व्यक्ति किसी किसी चीज़ में निपुण होते हैं, सब कुछ सबको नहीं आता, लेकिन कुछ कुछ तो कोई कोई विशेष कार्य तो सबको आता ही है ना।
ऐसे ही जो शेल्किन नाम की ये आत्मा है, इसकी खूबी क्या है? इसकी खूबी है कि ये समस्या की जड़ को पकड़कर फौरन उसके उसकी जड़ में पहुंचकर काम करती है और फौरन उसको हल्का कर देती है। ये उसकी खूबी है। उसकी खूबी है कि वो समय बर्बाद नहीं करती समस्या को, उसमें उलझ जाना, रुक जाना, खड़े हो जाना, उसके लिए रोते रहना, शिकायतें करना, कोसना, यही करते हैं ना हम। जब कोई समस्या आती है तो वो हमारी किस्मत ऐसी थी, इसकी वजह से ऐसा हो गया, हमसे ये गलती ना हुई होती तो ऐसा ना होता। ऐसे ही कभी पास्ट में उलझ रहे हैं हम, कभी हम किसी किसी के ऊपर किसी की वजह से ऐसा हो गया शिकायत कर रहे हैं। लेकिन वो जो आत्मा है वो इस तरह की नहीं है। वो जब समस्या आती है, जो उसकी खूबी बताई जा रही है, समस्या आती है तो सीधा उसकी जड़ पर पहुंचती है, इधर उधर टाइम बर्बाद किए बिना। शैल्किन नाम की वो जो आत्मा है, उसकी जो खूबी है कि वो बहुत गहरे से गहरे विचार को भी बहुत जल्दी समझ जाती है, जटिल से जटिल विचार को भी। किसी के मनोभावों को समझने की क्षमता किसी किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा होती है ना, तो वो इस तरह की आत्मा है। सिर्फ समझती नहीं है, बहुत जल्दी उसको सुलझा भी देती है, ये उसकी खूबी है। तो अब वो कहता है माध्यम कि अगली बार जब मैं अपना जीवन जीऊंगा, तब जब मेरे सामने इस तरह की कोई समस्या आएगी, तो आज मैं शैल्किन की आत्मा से, शैल्किन से जो सीख रहा हूं, तो उस वक्त मैं ज्यादा आसानी से उस समस्या का समाधान कर पाऊंगा, उस समस्या के साथ डील कर पाऊंगा। क्योंकि सीखने की प्रक्रिया तो दोनों तरफ जा रही है ना, सोल वर्ल्ड में भी जा रही है, धरती पर भी जा रही है, बल्कि सोल वर्ल्ड में तो ज्यादा जा रही है। क्यों? क्योंकि वहां तो सिर्फ शिक्षा ही है, वहां कोई आपका इम्तिहान थोड़ा लिया जा रहा है। धरती पे तो डबल है, इम्तिहान भी है, शिक्षा भी है, दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। धरती पर डिफिकल्ट है, वहाँ तो सिर्फ पढ़ाई है, कोई कोई इम्तिहान नहीं। तो वो माध्यम कहता है कि शैल्किन से बात करके मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, उसने अपने बहुत सारे जीवन जिए हैं जिसमें उसने इस चीज़ का सबूत दिया है कि उसके अंदर ये खूबी डेवलप हो गई है कि समस्याओं के साथ कैसे डील किया जाता है, सामने वाले व्यक्ति के मन को कैसे समझा जाता है, कैसे सीधा उसकी जड़ पर चोट करके उसे ठीक किया जाता है। तो ये चीज़ जो आज मैं शैल्किन से सीख रहा हूँ, ये मेरे जो आगे आने वाले जीवन है उसमें मुझे बहुत फ़ायदा पहुँचाने वाली है क्योंकि मैं उसकी शिक्षाओं को यूज़ करने वाला हूँ अपनी अगली ज़िंदगी में। उसने कहा कि शैल्किन ने मुझे एक चीज़ और बताई कि हमें उन इंसानों को और ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए जिन्हें हम पृथ्वी पर खास तौर पर पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आता है। अब शैल्किन ने जो माध्यम को मैसेज दिया है, ये एक तरह से हम सब के लिए है। हम सब जो इस वक्त ये वीडियो सुन रहे हैं, हम सब के लिए ये मैसेज है कि ये शैल्किन का दिया हुआ एक मैसेज है कि हमें उन व्यक्तियों को जिनको हम नापसंद करते हैं, जिनकी बातें हमें अच्छी नहीं लग रही हैं, उन पर थोड़ा गौर करना चाहिए, उनको थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमें कुछ ना कुछ नया सिखा रहे होते हैं। जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपसे अच्छा अच्छा बोलते हैं, वो आपको कुछ नया नहीं सिखाते ना, वो आपका ऑलरेडी जो आपका बेस बना हुआ है उसी को और बेहतर कर रहे हैं ना। नया तो ये लोग सिखा रहे हैं जो आपकी कमियां गिन गिन के आपको बता रहे हैं, आप में नुक्स निकाल रहे हैं, वही तो आपको नया सिखा रहे हैं। अब आपने खीर बनाई है, खीर में आपने ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले हैं, अब सामने वाला व्यक्ति अगर आपकी बनाई हुई खीर में नुस्ख निकालता है कि भैया ये चीज़ ख़राब है, इसमें आपने ये नहीं डाला, तब तो आपको अपनी कमी पता चलेगी। तो बस इसी तरह से जो कमियां निकाल रहे हैं उन पर थोड़ा ज़्यादा गौर कीजिए, ये चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है। आत्मा लोक एक इस तरह का स्थान है जहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ अवकाश का भी वक्त होता है, मनोरंजन का भी वक्त होता है। वो कैसा होता है और अवकाश वहाँ होता है तो वो कैसा होता है, अगली कड़ी में हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ छोटा सा ही सही लेकिन एक मैसेज ज़रूर कीजिए, चाहे हेलो ही लिख दीजिए लेकिन एक मैसेज ज़रूर कीजिए। आपका एक छोटा सा लाइक, छोटा सा कमेंट, ये भी बहुत मायने रखता है इस ज्ञान के प्रसार में। आप लोग लाइक और कमेंट के माध्यम से तो इस चैनल को एक छोटा सा सहयोग दे ही सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछली वीडियो का लिंक भी शेयर किया गया है और अमेज़ोन का लिंक भी शेयर किया गया है और मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक भी शेयर किया गया है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जब हम बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं,
हम कहते हैं कि